हेलो यूट्यूब बडीज, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। सी लैंग्वेज के इस चैप्टर में आप सबका स्वागत है, जहां हम बात करने वाले हैं कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें कि कीवर्ड क्या है, आइडेंटिफायर क्या है। जो कीवर्ड होता है वो प्रीडिफाइंड वर्ड्स होते हैं और जो आइडेंटिफायर होता है वो यूजर डिफाइंड वर्ड्स होते हैं। अब ये क्या है, प्रीडिफाइंड क्या है, यूजर डिफाइंड क्या है। तो दोस्तों देखो, प्रीडिफाइंड की बात करते हैं। सबसे पहले प्रीडिफाइंड क्या होता है। प्रीडिफाइंड इन द सेंस ये कि जो सी लैंग्वेज में पहले से डिफाइन है और जिसका जो भी काम है, जो भी यूज होना है, वो ऑलरेडी सी लैंग्वेज में पहले से ही इंसर्टेड है या फिर डिफाइंड है। कहने का सेंस क्या है कि जैसे आप लोग यूज करते हो इंट, आप लोग यूज करते हो कैर, फ्लॉट, डबल, ईव, ऐसे कई सारे कीवर्ड हैं जो हम यूज करते हैं। और आपने ये देखा होगा कि इनका जो भी रोल है इस लैंग्वेज में वो पहले से डिफाइन है। यानी ईव का जो रोल है वो कंडीशन के लिए यूज होना है, तो पहले से डिफाइन है। आप यहाँ पे इंट यूज कर रहे हो तो पहले से डिफाइन है कि इंट क्या है, वो एक डेटा टाइप है जो कि आपके इंटीजर टाइप के वैल्यूज को क्या करेगा, कंटेन करेगा। जो फ्लॉट है वो डेसिमल वैल्यू को कंटेन करेगा। जो कैर है वो आपके कैरेक्टर टाइप वैल्यू को डिफाइन मतलब कि कंटेन करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो कीवर्ड होते हैं उनका जो वर्क होता है या रोल होता है वो पहले से ही सी लैंग्वेज में डिफाइन होता है। ये हुआ प्रीडिफाइन। अब बात करते हैं आइडेंटिफायर की। तो आइडेंटिफायर क्या हुआ, ये हुआ यूजर डिफाइन। यानी कि प्रीडिफाइन किया था जो सी लैंग्वेज में पहले से डिफाइन किया था सी ने। अब यूजर डिफाइन का मतलब क्या हुआ कि आप एक नया जो है आइडेंटिफायर ऐड कर रहे हो जिसका एक नया रोल होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे हमने डेटा टाइप लिया इंट, फिर मैंने लिखा इंग्लिश, फिर कोमा किया मैंने लिख दिया हिंदी, फिर कोमा किया मैंने लिख दिया टोटल। ये कोड किया हमने। अब यहाँ पे इंट पहले से क्या है, एक कीवर्ड है। इंट क्या है, एक कीवर्ड जो प्रीडिफाइंड है। अब यहाँ पे मैंने तीन नए डिफाइन कर दिए, वो तीन क्या है, पहला इंग्लिश, दूसरा आपका हिंदी और तीसरा है टोटल। तो यहाँ पे इंग्लिश में क्या करूंगा, मैं इंग्लिश के मार्क्स स्टोर करूंगा, ये इसका काम हो गया। हिंदी में क्या करूंगा, मैं हिंदी के मार्क्स स्टोर करूंगा, ये हिंदी का काम हो गया। और टोटल में हम क्या करेंगे, इन दोनों का कैलकुलेशन रखेंगे। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, इंग्लिश, हिंदी और टोटल, ये तीन नए वर्ड्स मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिए। तो ये होता है आइडेंटिफायर। क्लियर हो रहा है, ये आइडेंटिफायर है जिसको किसने डिफाइन किया, यूजर ने। अभी यूजर कौन है, मैं हूं, तो मैंने क्या किया, ये तीन आइडेंटिफायर डिफाइन किए और ये क्या हो गया आपका आइडेंटिफायर, और जो प्रीवियस हमने पढ़ा वो क्या हो गया, कीवर्ड। टोटल दोस्तों बात करें तो सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स होते हैं। और आइडेंटिफायर की बात करें तो उसमें क्या है कि हमें कुछ रूल्स का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले रूल्स की बात कर लेते हैं। तो आइडेंटिफायर में जैसे मैंने इंग्लिश यूज किया, तो यहाँ पे क्या, ई क्या है, अल्फाबेट है। तो यहाँ पे क्या है कि आप नंबर यूज नहीं कर सकते, आप ये नहीं लिख सकते 1 2 3, आप ऐसा आइडेंटिफायर नहीं ले सकते। कोई भी अगर आप ले रहे हैं तो वहां पे आपको सबसे पहले शुरुआत अल्फाबेट से करनी होगी। हम ये लिख सकते हैं इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, ये वैलिड है। लेकिन अगर हम 1 2 3 ले रहे हैं तो वो इनवैलिड है। इसके बाद दोस्तों आगे हम बात करें कि ये जो कीवर्ड है वो आप एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। यानी कि आप ये बिल्कुल नहीं लिख सकते कि इंट, और आगे जैसे मैंने इंग्लिश लिखा था तो आप वहां पे कैर लिख दो या फिर ईफ लिख दो, तो वो सीधा सीधा गलत हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा कीवर्ड और आइडेंटिफायर के बारे में। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो और आपको अच्छे समझ में आया हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करें। थैंक यू।